अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। दोस्तों की हाल चाल है, उम्मीद करने सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सब नू अपने हिफ्ज़ इमान च रखे। तो अज कुछ दोस्त परिंदे लैके आए ने, कल भी कुछ दोस्त परिंदे लैके आए सी लोरों बारों, लेकिन वो लाइट नहीं सी है, लाइट का इशू सी, फिर वीडियो नहीं बना सके। तो अज दोस्त ना इतने लोर ही साढ़े को लगी गुजर कलोनी, इतों फिर भी कमोबेश बाइक पर भी जाओ तो कुछ 40-50 मिनट लग जाने। उतो दो स्कूटर लै के आए ने, दोस्तों तारा कराने। सलाम अलैकुम। भाई का नाम जी राणा एहसन साहब। वालेकुम सलाम। आसमान साहब ने जी एक कबूतर लै के आए ने शो कराने वास्ते, कुछ फेल पास भी किए ने, अच्छे कबूतर ने इन्होंने को, जो कबूतर ज़्यादा पसंद आए ने, बाकी कबूतर कुछ छुड़न वाले ने निकल आए हैं, मैं उड़ा लो जो अच्छे ज़्यादा पसंद आए ने, मैं दोस्तों ने शो कराइए, क्योंकि मेरा मकसद यही होंगे कि दोस्तों अच्छे परिंदे का शो कराइए, ताकि अगाही मिलती है जो नवे दोस्त शकीन हजरात ने, उन्होंने समझ लगती है कि किस स्टाइल का कबूतर रखना चाहिए, तो वो फायदा होंगे। तो कोशिश करी थी मेरी एक तबीयत है कि यार जड़ियाँ चीज़ा मैं अच्छी समझना मैं हाईलाइट करना, तो कई दोस्तों को फायदा हासिल कर लेंगे ने। तो बाकी तुम शो कराने इंशाल्लाह, उम्मीद है कि तुम पसंद आने। आओ जरा सब तो सुपर कबूतर शो कराने कबूतर जी टैडी इन्हों का बहुत शानदार कबूतर है, फिर इन्हें बड़ी खास चीज़ है। सरवटा देख रहे हो तुम, यह बड़े मुलायम कबूतर की निशानी होंगी, जिस कबूतर आनगियां तकरीबन वो कबूतर परवास का ज्यादा होगा, खतान कट करेगा, यानी उड्डन इनकार नहीं करेगा, यह बड़ी अहम चीज़ है दोस्तों दसी है। दूसरा जो अभी बॉडी के हथ फेर रहे हैं बहुत मुलायम है, हड्डी की शेप बड़ी अच्छी है, दम बड़ी अच्छी है, फिर तुम अखा शो कराने। फिर एक चीज़ होर बड़ी अहम क्लोज करो, अच्छा होने खूबसूरत भी है कबूतर, अच्छा तो है ही है लेकिन खूबसूरत बड़ा है, यह प्लस पॉइंट है। तो टैडी खूबसूरत बड़े ने लेकिन अच्छे घट नज़र आते हैं, यह पंजा बहुत शानदार कबूतर है, और बनाने वाला उड़ाने वाला बेहतरीन कबूतर है, हाई क्वालिटी कबूतर है। बल्कि एक माधी बच्चे बड़ी पसंद आई है नाल, और नाल जोड़े से भी क्या है वो भी दिखाने तुम शो कराने। माधी बड़ी अच्छी इन्होंने बहुत आई है, ये भी वही चीज़ आ गई है, सरवटा आ गई ने, पर तीली बड़ी शानदार है, चिपटी तीली है, तीली की नर तो भी ज्यादा अच्छी है, जब दोस्तों नजर आ रहा हो तुम शौक बड़ी रेशम मुलायम माधी है वाली, यह माधी लगाओगे ना कलर भी बन जाएगा, तो तेरे को कलर ही अच्छा हो जाएगा और खूबसूरती बच जाएगी और मुलायम बड़ी है, यहो जी माधी मंगता कबूतर, बड़ी सुपर क्लास माधी है। एक जगह तो फैसला बता दस जी, हाँ जी निशानी नहीं सी लाई, मैं निशानी ला ली, मतलब तीन पारे से कर देते हैं, बहुत अच्छी माधी लाल शेड दे रही बिलकुल गोल्डन कबूतर है, मजबूत बड़ा है, दरमियाना तीली भी मोटी है, तीली काफी मोटी है, खूबसूरत भी है, लेकिन बच्चे जाया नहीं करेगा, मादी बहुत मुलायम और तेज मंग रहा है, असू वास्ते अच्छे बच्चे कढ़ेगा, गर्मी वाले ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, लेकिन बच्चे जाया नहीं करेगा, असू की हद तक ना, यानी नरम दिनों से अच्छे उड़ाएगा बच्चे, तो जो गर्मी के बच्चे कम लगे बहुत स्पेशल। हेलो मैं दोस्तों नाल ना थोड़ा गए थी, तीली तुम देख लो इतों ही ना, बहुत मोटी है, यह चीज़ बहुत है भारी है जी,
इस वजह तो थोड़ा ना मजबूती जल्ले ज्यादा है, तो सुपर नहीं है, आएगा कि सुपर बहुत मुलायम आदि मंगता है, लेकिन बच्चे नहीं जाया करेगा ऐसा है। तो जी मादी सब तो ज्यादा पसंद आई मैनू, इन पुराना लकवा भी है, ये बदन के फीलिंग ही लगता है, यह पर जो डिब्बे च आते हैं कबूतर तो पर शेप नहीं रही जो होनी चाहिए है। लेकिन पर तीली हूँ भी नज़र आ रही, तीली कैसी है, शानदार बरीक है और दुम की भी बड़ी गल है और बहुत ही आउट क्लास मादी, सब तो यानी अगर एक नंबर दईए ना यह मादी में, मैं एक नंबर दाँगा इन्होंने को जिन्हें भी कबूतर ने। यदा रिजल्ट कैसा जी मादी का? बहुत कमाल रिजल्ट दिता जी साइ, बच्चे भी कहते अच्छे उड़ाई पर हाल मैं बहुत पसंद आई है। यार देखो ना चार पर कटे ने मैं, एक दो तीन चार, मैं यार बहुत स्पेशल मादी है, हाई क्वालिटी की मादी है, ऐसे घट परिंदे नज़र आते हैं। ये तो जिन्हें मर्जी कबूतर बना लो, अख च ना चमक देखो जरा, क्लोज करोगे ना वीडियो चमक ही लैदा जी। यह कबूतर गोल्डन है भी, बड़ा अच्छा कबूतर है, पारतीली का भी अच्छा है, लेकिन उम्र सीधा उम्र काफ़ी है दी, भी अच्छा कबूतर है, भी कम देने वाला अगर बुत बुत पाँदा तो अच्छा कम दे, बुत पाँदा जी अच्छा तुम कम देगा अच्छा कबूतर। चलो कोई नहीं, हेलो अभी बड़े अच्छी भर्ती लीला कबूतर है, जालदार कबूतर है, पर बहुत पसंद है मैनू यदि आख, रेशम मुलायम कबूतर है भी, अच्छे बच्चे उड़ाएगा कबूतर ना, साइज भी बड़ा अच्छा है, बेहतरीन बनाएगा गर्मियों का कबूतर। यह मैं पहले मादी समझ रहा था, मैं तुम कह रहा टैडी ना ला लो, लेकिन क्या ना देगा, यह मादी बड़ी अच्छी आई, एक भी बड़ी रेशम लाइम है, क्रीस पई मादी उपर पुर बेचारी जरा डिब्बे हाल कोई नहीं रहा, पर देखने का सो तुम अख का शो करा दें, अच्छी मादी है भी, अच्छा काम करेगी, मुलायम बड़ी है। लो जी एक रामपुरी कबूतरी है, ये जैसे पर किसी के भी नहीं, सब तो नंबर वन पर इन लगा है, शानदार तरीन जो मेरा सब तो फेवरेट पर वो है वे, और मैं कहना प्रवास सब तो बादशाह पर ही है वे, लेकिन इस टाइम यदि झोल झूल जरा थोड़ी जी नरम हुई क्योंकि कहने अंडिया तो तंग कर रही है, लेकिन मादी बड़ी अच्छी है, रामपुरी कबूतरी है, रामपुरी एडे अच्छे वैसे घट नज़र आते हैं, ज़्यादा खूबसूरत ही नज़र आते हैं, डेकोरेशन ज़्यादा ने लेकिन क्वालिटी वाले घट ने, लेकिन पूरी क्वालिटी वाली अच्छे बच्चे उड़ाएगी, अगर जी अंडे उतार दे ना तो बड़ी सुपर कबूतरी, अच्छा काम करने वाली कबूतरी। ये मादी ठीक हैगी, गुजारा करेगी, तो मादी अक्सर घट होंगी कसूरी टैडी क्रास से, तो है दरमियानी है, सुपर नहीं हैगी लेकिन करेगी काम, अगर मादियाँ घट होंगे असली रैती नंबर ला दीजिए। यह कबूतर अच्छा है, आओ जी मैलिक चली हुई है, यह भी अच्छा कबूतर है, रेशम मुलायम है, लखा शेड दे रहा कबूतर है, भी लाखे कबूतर च इस तरह जिस तरह लाल मोतियाँ लिया ना क्रास हों, नहीं गोल्डन और तरह के होंगे ने, और तुम नोक तो कह दें ना, हाँ। गोल्डन नहीं है, गोल्डन जीरा कबूतर है, गोल्डन स्टाइल के कबूतर ने जिस तरह है, आखो खरी देखो जीरा कबूतर है, खूबसूरत कबूतर है, मजबूत बड़ा है, बच्चे भी इन्होंने कुछ उड़ाता है, लेकिन यहाँ मादी बड़ी शानदार लगी हो लखवे वाली, हालांकि यह खुद एडा क्वालिटी वाला नहीं है, दरमियाना है, मजबूत है, लेकिन वो मादी बड़ी बारिश ज्यादा लगी है, ज़्यादा कमा मैं 80% उन्होंने नंबर देना,
सियाना है, मजबूत है, उसके तो अच्छा कंबीनेशन बनया है। पर आलू मादी किसी और ना लागे तो वधा भी सकते हो, कोई कटनी होगी ना फिर इतना तोड़ लेना। एक लाखा कबूतर है जी, ये पर ज्यादा ही महत्व जी है, पर छोटे ने, तो मैं तो पहले इन्होंने कहा कि इन्हों उड़ा लो, फिर इन्हें दसिया कि वो काफ़ी उड़िया 6-7 साल और अच्छा उड़िया इन्हों को ना शाम तक उड़िया कबूतर, अख उख बहुत अच्छी है जी, अख तो इस तरह जिस तरह टैडी कबूतर की होंगी। अच्छा जी, तो परपुर का जरा ज्यादा महत्व जी है जी, उन जगह कैंडा बदन का मुलायम लैमीयत बहुत अच्छी है, अच्छा कबूतर है, अख का तो बहुत ही मजबूत है, पंजे का भी अच्छा, हर चीज़ है, बस जरा थोड़े उपर तो ना खराबी हुई है, कुछ डिब्बे जान भी हो जाने होनी भी। कबूतर असी तेन कभी सतरंगा कहने होंगे सके, शेड रंग बिरंगे शेड आ रहे थे ना पर उत्ते, नस्ल कुछ नहीं कह सकते की है, असी किसी वक्त जो सतरंगे ही कहने के सत रंगे कबूतर है ना, लाल शेड दे रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के शेड बच दे आ रहे थे। ठीक है कबूतर, बच्चे उड़ाने वाला ना अच्छा कबूतर है। वड्डे टैडी की पुट्ठी उ ना सर जी ना ब्लड का भी एक किरदार आ जाता, लेकिन यह तीन चार भैन भाई देखे ने सब तो अच्छी है निकली है, बाकी उड्डन वाले निकले ने, लेकिन यह बाप के करीब तरीन निकली जोड़ने वाली, बाकी जरा इस लैवल तो थले ने, यह बहुत सुपर निकली, अच्छा काम करेगी, यह पर भी बहुत शानदार है, टिप्पा टुप्पा बहुत अच्छिया निकलिया यदि, हूँ देखो ना चार भैन भाई ने तो यह बहुत एक्सट्राऑर्डनरी निकली है, किसी अच्छे कबूतर ने लाना अच्छा काम करेगी, ऐसे सुरखे ना ही लगी है। अच्छा सुरखे भी सवार देगी, यह भी अच्छी मादी है, बल्ले नकल ही ना टैडी कबूतरी है, अच्छी कबूतरी है, पर गोल गोल किते हैं, नहीं जी ये भी अच्छी कबूतरी है, कोई ये शक वाली गल नहीं, लेकिन वो जी मादी मैं तुम्हें क्या वह बहुत वधिया फैसलाबाद जी कहते हो, पर यह भी अच्छी कबूतरी है, यह भी लग जाती है, कबूतर चिट्टा मोतियां वाला, ये बच्चा बड़ा शानदार आया जी, आप तो जरा छुड़ाइया छुड़ियाँ ज्यादा ने, लेकिन जी इन्हें पट्ठी दिखाई है ना कढ़ी है, अच्छा वो बहुत वधिया पट्ठी है, जेठ दियां सत बाबियां तीन तो पार ही पैंदा रे, नेरी तूफान कोई टेंशन ही नहीं रही, जो है कलर ओह जी पंजे ने, अठ तो नौ साल उम्र है, हाँ मेरे फलकशियर कबूतर की शक्ल इस तरह है, बिल्कुल फलकशियर ही होना, मैं सही क्या मादी पुट्ठी एक अठ पर दिखाई, बड़ी शानदार मजा आया पुट्ठी देख के ना, बाप तो भी अच्छी निकली है, चलो रहन दियो, अगर जे लब जांदी सी ते दहा देना, नहीं ते रश काफी अंदर डब्बे च लभना मुश्किल हो जाता है, तो दोस्तों मकसद सिर्फ यही होंगे कि कोई भी चीज़ हरफे आखर नहीं होंगी, मेरी एक प्रोडिक्शन होंगी इंसान की, और अलहमदुल्ला मेरी कोशिश होंगी कि जो कबूतर देखने ना 70-80% ठीक होंगी गल, तो मैं कहना कबूतर अगर बंदा 70-80% अपने कबूतर सिलेक्ट कर लेंदा या किसी भी सिलेक्ट कर लेंदा तो काफ़ी अशोक की हद तक 100% कोई भी नहीं हो सकता, यह गलत गल है, असी कोई दावा कोई भी अगर करें ना 100% कोई भी इंसान नहीं हो सकता, हाँ यह जरूर है कि तुम अपने शौक के मुताबिक गुजारा कर लवो, मसलन कि तुम अगर ज़्यादा रश पाने की बजाय थोड़े कबूतर रख लो, मुनासिब रख लो, उन्होंने काम ले लो, फिर एक अपना कॉन्फिडेंस लैवल वाधा है, वो वजह की जो दोस्तों के कबूतर देखते हो तो कितने रह भी जाते हो, यह नहीं है कि 100% ही गल करनी होंगी, लेकिन 70-80% भी अगर तुम सही ताकि राय होंगी उन्होंने अच्छे कबूतर के मुतलक, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अशोक अस पड़ो जी, जरा यह मादी नाल लगी थी, हाँ मादी का वो नर दियाँ टिप्पा जरा चौड़ाई वाली ने, यदि टिप्पा बहुत शानदार ने, वो तो पट्ठी बड़ी बैलेंस वाली निकली है, जरा क्लोज करो ना थोड़ा जहा पारे से, देखो ना नर दियाँ टिप्पा लभ लो जो लभ जी,
ਨਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਟੁੱਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿੱਲੀ ਹੈ, ਮਾਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੋਸ਼ਲੀ ਕਬੂਤਰੀ ਅੱਛੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕਬੂਤਰ 'ਚ, ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਨਰ ਅਗਰ 80 ਇਹਦੇ 90 ਵੇ, 80 ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ, ਨਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਆ ਗਈ 10 ਵਜੇ ਥੱਲੇ, ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ। ਅੱਛਾ, ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਗਈ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਵਜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਥੱਲੇ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮਾਨ, 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਥੱਲੇ, 10 ਮਿੰਟ ਸਮਾਨ, ਹੁਣੇ 3 ਵਜੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਫੜ ਲਓ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਡਿਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਡਿਆ ਮਾਨੀ? ਮੈਂ ਬਸ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਜੈਂਟ ਕੰਮ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਸੁਬਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ 1:30 ਕੁ ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋਸ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਲਿਫਾਸ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸਾਰਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਐਸੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਾਣਾ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 10-15-20 ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਆ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਸ਼ੋਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਰੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤਲਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜਿਕ ਗੋਲੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦਾ, ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ